हम आपको भगड़ू लोकते हैं क्या? साथे हैं, देख लीजिए, भगड़ू लोकते हैं, साथे हैं। आई एम वेट, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कोई संबंध केंद्र सरकार के जितने तोते हैं सभी तोते मेरे पीछे लगा दे, और उससे भी कम पड़ती है तो विदेश की एजेंसियां बहाल करे। पंकज मिश्रा डराने वाला नहीं है। साहिबगंज जिले में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोप में जेल में बंद सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत पर 26 नवंबर को फैसला आएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि जमानत याचिका में सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा के वकील प्रदीप चंद्रा ने अदालत के समक्ष पंकज के मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल देने का आग्रह किया था। वहीं एड की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस करते हुए पंकज मिश्रा के अधिवक्ता की दलीलों का पुरजोर विरोध किया और अदालत से आग्रह किया था कि जमानत नहीं दी जाए। बता दें कि इस मामले में पंकज मिश्रा पर 4 जून को केस दर्ज किया था। उन पर साहिबगंज जिले के बरहरवा थाने में वर्ष 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके तहत उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में ईडी ने शंभुनंद कुमार का बयान भी दर्ज किया था। शंभू ने ईडी को दिए अपने बयान में राज्य के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम का नाम लिया था। साहिबगंज के बरहरवा में जून 2020 के टेंडर विवाद में एक केस दर्ज किया गया था जिसे ईडी ने टेक ओवर किया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।